that question. And to answer that question, I would like to call Faf and Smriti to come close to the buzzer. And I just want to let everyone know, idu RCB hosa adhyaya. Please smash that buzzer, the three of you. मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा इतनी खतरनाक सिर्फ थोड़ी देर के लिए तो मैं सोचा इसी वजह से हंस रहा था कि यार ये इतनी खतरनाक किस्म की आरसीबी जर्सी सेरेमनी कर रहा है तो ये आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी में क्या होगा नम्मा आरसीबी अहम में द किंग विराट कोहली हमारे यहाँ भी जर्सी रिवील होती है कोई नीचे प्लास्कट के चप्पल ऊपर जीन्स कोई कैसा ट्राउजर और ऊपर वही पुरानी जर्सियां पहन के आ जाते हैं जी आज ट्रॉफी रिवील सेरेमनी है ऊपर से धूप लग रही होती है चार पांच वो बंदे होते हैं और क्वेश्चन और होते हैं जी बाबर की शादी कब है तो मतलब इस लेवल का ये हमारे यहाँ ट्रॉफी रिवील होता है जी हमारे यहाँ जर्सी रिवील होता है कैसे किंग और जी से घंटा मतलब कैसे किंग और जी से घंटा बड़ा फर्क है ये देख लो जी से घंटा और के से किंग उसने बोल दिया कि मुझे किंग नहीं बोलना आज के बाद मुझे एम्बैरस फील होता है मुझे विराट कोहली बोला करो और इधर कुछ घंटे कूल दिखने के लिए पता नहीं क्या क्या हरकतें करते हैं कि मैं किंग बन जाऊं कि मैं देख रहा था कि विराट कोहली आरसीबी का कोई फंक्शन हो रहा हुआ तो उसमें विराट कोहली भी था फाफ डू फ्लेसी के साथ तो विराट कोहली को उस होस्ट ने जो है ना किंग करके मुखातिब किया जिसमें क्राउड में बड़ा शोर मचाने लगा तो विराट कोहली ने मैं कहा कि भाई मुझे आप किंग विंग के नाम से ना बुलाया करें किताब से जस्ट कॉल मी विराट दैट्स ऑल बिकॉज I am not comfortable with that. ठीक है? Something he said something on those lines. And this is coming from a player who has already achieved so much in cricket. मतलब ये कैसे प्लेयर ने कहा है जिसने कि इतना अचीव किया क्रिकेट के अंदर और क्या कुछ रह नहीं गया साफ सीधी बात है अचीव करने के लिए सिर्फ दो चीजें आई थिंक उसकी तीन चीजें अगर टारगेट उसके माइंड में होंगे कोहली के तो एक तो आईपीएल जीतना होगा आरसीबी की तरफ से दूसरा एक वर्ल्ड कप और जीतना होगा आईसीसी को इवेंट जीतना होगा और तीसरा मे बी इफ ही प्लेस लॉन्ग इनफ टू गेट टू 100 इंटरनेशनल 100 तो अपने पीएसएल के बारे में बात करो पीएसएल की बात करता हूं आप देखो आरसीबी जर्सी इवेंट हुआ ठीक है उन्होंने जर्सी रिवील करी अब आपको मैं एक छोटा सा आपसे एक सवाल करता हूं कोई लंबी मैं नहीं करूंगा कि पीएसएल ये आईपीएल ये मैं सिर्फ एक सिंपल सा सवाल करूंगा वो ये कि कल पीएसएल का फाइनल था ठीक है ना पीएसएल का फाइनल हुआ आपने उस फाइनल के अंदर कोई भी एक ऐसा स्पार्क या कोई भी एक ऐसा मजा देखो मैच अच्छा हुआ हाँ, मजा अच्छा आया देखने में पूरा 20 ओवर का मैच था T20 फॉर्मेट था लेकिन एक वो जो फील होती है ना फाइनल की जिस तरह से WPL हुआ था यार उसकी तस्वीरें अभी तक सोशल मीडिया पे मौजूद है आ रही है रोटेट होते होते इनफैक्ट अभी आरसीबी वालों ने जर्सी सेरेमनी में भी उनकी कप्तान स्मृति को बुलाया हुआ था ठीक है WPL चैंपियन लिखा हुआ था उनकी शर्ट पे तो आप बताओ अपने पीएसएल के अंदर कोई भी फाइनल के अंदर देखो हल्की बात नहीं है एक डेढ़ महीना ये टूर्नामेंट चला है पीएसएल वो तो हमने बायकॉट किया था लेकिन चला तो है ना भाई जो भी जैसा भी चला है लेकिन चला है ठीक है और ऐसा नहीं लगता तुमने भाभी मैनेजमेंट ने भी कहा है कि बस निपटाने वाली करो भाई तो दिख रहा है यार निपटाने वाली करिए आपने शेड्यूल इतना कोई घटिया बनाया था कि आप उस शेड्यूल को वर्किंग डेज में आपने इतने इंपॉर्टेंट मैचेस रख दिए प्लस रमजान तक खींच कर आ गए पता भी है बिजी मंथ होता है भाई और प्लस वर्किंग अबे मंडे को फाइनल रखवा रहे हैं यार सबसे बड़ी बात यार मतलब कि एलन वाकर आ रहा है इस इवेंट में परफॉर्मेंस दिखा रहा है यार एलन वाकर जैसा बंदा आके परफॉर्मेंस दिखा रहा है बाकी जो सिंगर आ रहे हैं जिस तरह के वहां ग्राफिक्स हुए हैं जो विराट कोहली के वहां से ग्राफिक्स के थ्रू प्रेजेंट किया जा रहा है फिर स्मृति मंदाना के जिस तरह से ग्राफिक्स हैं फाफ डू प्लेसी के जिस लेवल के प्रोफेशनल किस्म के ग्राफिक्स हैं वो जो स्टेज बना हुआ है और जो लोग आए हुए हैं मतलब ट्रॉफी रिवील करने पे इतनी पब्लिक उमंड आई है यार ये पावर है आईपीएल की ये पावर है इस बंदे की ये है आरसीबी के फैंस मतलब एक जर्सी रिवील करने पे इतना क्राउड आ गया और पीएसएल में बाबर आजम मोहम्मद रिजवान शाहीन शाह अफरीदी के देखने के लिए 750 पाकिस्तानी रुपीज में भी कोई क्राउड नहीं आ रहा 750 पाकिस्तानी रुपीज मतलब इंडिया का 150-200 बन रहा है वहां मतलब कि इसमें भी क्राउड नहीं आ रहा हमारे यहां यार ये हमारे स्टार्स हैं और ये बंदा ब्रांड है यार हम कहते हैं पीएसएल ब्रांड वो पिशावर सेल्वी का ऑनर कहता है बाबर आजम इज द ओनली ब्रांड और ब्रांड है बाबर आजम यार और ब्रांड ये बंदा है यार जिसके नारे लगते हैं ग्राउंडों में जिसको पब्लिक इतना प्यार करती है चाहती है और उसकी फ्रेंचाइज जिस तरह का काम कर रही है सिर्फ एक जर्सी रिवील करने में WPL वालों ने फाइनल कब रखवाया था इतवार को आप अल्लाह के बंदे एक हफ्ते का गैप ले लेते अगले इतवार को करवा देते आप मंडे को जल्दी से जल्दी
ऐसा लग रहा था कोई स्कूल के बच्चे फाइनल देखने जाएंगे, भाई मंडे को क्यों करवा रहे हो फाइनल यार, कोई जवाब ही नहीं बनता। और फाइनल करवा भी दिया ना, हो गया, शदाब जीत गया, इस्लामाबाद जीत गई, खत्म, बस कुछ और। आप ये देखो कि हमारे क्या एक्सपोज हुए इसमें, बाबर गया, शाही गया। मैं आपको क्या बोलता हूँ, ये पीएसएल का नाम बदल के ना इस वक्त इन लोगों को बताऊँ क्या करता, एक्सपोज लीग। इसमें सिर्फ हम लोग एक्सपोज हुए, वो चाहे हमारे ग्राउंड के मसले हो, हमारी मैनेजमेंट हो, टीसीबी मैनेजमेंट हो, भाई लाहौर कलंदर्स फ्रेंचाइज की इज्जत का जनाजा निकाल दिया उसने यार। ये आरसीबी का तो कमाल है, ये आप किंग्स इलेवन पंजाब वाला देख लो यार, मतलब ये हर फ्रेंचाइज अपने लेवल पे इस तरह का इवेंट कर रही है जैसे लग रहा है कोई ओपनिंग हो रही है यार। मतलब ये आईपीएल लेवल का नहीं है, कोई इंडिया लेवल की चीज नहीं है, ये सिर्फ एक फ्रेंचाइज लेवल की चीज है। और जो लोगों का पार्टिसिपेशन है, ये इंडियंस लोग प्योर खेल के दीवाने हैं यार। हम कहते हैं ना एशिया में क्रिकेट पॉपुलर है, और भाई पाकिस्तान में देख लो, आप श्रीलंका में देख लो, ऐसी थर्ड क्लास क्रिकेट आवाम नहीं देखती है, वहां देखती है आईपीएल जैसी क्रिकेट, वहां देखती है विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऐसे बड़े सितारे यार। और मैं जो एमएस धोनी के लिए इतना पागल हुआ हूं क्रेज, वो एमएस धोनी प्रैक्टिस कर रहे थे, आपने प्रैक्टिस सेशन देखो होगा, एमएस धोनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस में इतनी आवाम आ जाती है। वाकई यार इंडिया में जो क्रिकेट जुनून है, जो क्रिकेट के लिए इज्जत है, जो क्रिकेट के लिए चाह है, जो क्रिकेट के लिए मोहब्बत है, जो क्रिकेट के लिए डेडिकेशन है, वो कमाल है यार। जिस तरह से वो प्रैक्टिसेस में भी आते हैं, ये तो इंडिया उस तरह से ग्राउंड नहीं खोलते, इंडिया गए ना प्रैक्टिस में भी फुल ग्राउंड खोलेंगे तो फुल भर जाए, जितना वो इंक्लोजर्स खोलते हैं वो प्रैक्टिस में भर जाते हैं यार। इस लेवल का करिश्मा है, ये ब्रांड्स होते हैं यार, ये ब्रांड्स टूर्नामेंट होते हैं, वो पीएसएल वाला ब्रांड नहीं है कि घर में भी कोई नहीं देख रहा, घर में भी कराची में कोई भी नहीं आया देखने यार, 750 रुपए में भी नहीं खरीदा कराची वालों ने, आप इमेजिन करो, मतलब दिल खुश किया यार। और ऊपर से जो वुमेन्स क्रिकेट के लिए, मतलब आप देखो किस तरह से रिस्पेक्ट दिया इक्वली यार। ये गोरे लोग बड़ा चलाते रहते हैं जी, हमने सैलरियां बराबर कर दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, असल में वुमेन्स क्रिकेट के लिए जो इंडिया ने काम किया वो किसी और ने नहीं किया यार। क्या डब्ल्यूपीएल लेवल की लीग न्यूजीलैंड ने, साउथ अफ्रीका ने, इंग्लैंड ने और ऑस्ट्रेलिया ने इन्होंने इजाद किया है, इन्होंने निकाली है जो बहुत बड़े, तो उसकी टीम कभी आईपीएल नहीं जीत पाई तो इसका क्या करें। तो मेरे भाई चलो अभी तो फेफ डी प्लेज कप्तान है, लेकिन एक टाइम पे विराट कोहली भी आरसीबी की कप्तानी कर चुके हैं और बहुत दफा कर चुके और टीम में है भी, और एक तरीके से वो कप्तान वाली ड्यूटी ही निभाते हैं, सीनियर प्लेयर है भाई आरसीबी के, तो वो क्यों नहीं जीत पाते। अब इसमें क्या है कि भाई उन लोगों के ना, उन लोगों के बंदों को सपोर्ट करना जानते हैं, हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं बाबर आजम को, हम लोग ये नहीं सोचते कि बाबर आजम ने एक टाइम पे पाकिस्तान को खराब परफॉर्मेंस की वजह भी यही हो भाई, यही है भाई। सीधी सच्ची बात बोलूं ना मैं आपको, विराट वहां पे परफॉर्म नहीं कर रहा ठीक है, लोग उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आईपीएल लीग पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है, इसी वजह से इंडियन प्लेयर्स को ना सिर्फ इंडिया के अंदर तो जाना जाता है, उनको पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। ये वजह थी जो मैं बोलने वाला था कि भाई इसी वजह से जब आरसीबी कभी आईपीएल से बाहर होती है तो वो क्रिटिसाइज तो होती है, लेकिन वो किस वे में क्रिटिसाइज होती है, अनलकी टीम और लक नहीं था और हमारा दिन नहीं था और ये नहीं था, हो गया, पब्लिक भूल गई, सही है, लेकिन ये चीज प्लेयर्स को क्रिटिसाइज, ये चीज प्लेयर को, ये सिर्फ हम लोगों के अंदर आ जाते हैं। और ये जो मैं आपको बताऊं, ये जो इंडिया से ना ये बाबर आजम को बदनाम करने के चक्कर में वाला काम कर रहे हैं, वो नहीं होता, वो आग में जो घी डालने वाली मिसाल है, और ये वर्ल्ड कप से शुरू हुआ है, बाबर आजम का जो खराब मामला शुरू हुआ है, ज्यादा जो सवाल शुरू हुआ है ना बाबर आजम का, वो 2023 में अगर इंडिया के वर्ल्ड कप जो हुआ है उसके बाद टीम इंडिया जाती, तो भाई आरसीबी जर्सी सरीबनी हमने देख ली है ठीक है, तो अब इस चीज से हमें अच्छी तरह से अंदाजा हो गया आने वाला आईपीएल किस तरह का, और हमें ये भी अंदाजा हो गया हमारा तो दोस्तों आरसीबी की नई जर्सी रिवील हो गई है और उसमें कलर चेंज कर दिया है, पहले ब्लैक था और अब की बार जो है ब्लू कर दिया है। हालांकि ब्लैक कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ब्लैक रेड का कॉम्बिनेशन बहुत ही परफेक्ट था और ब्लू कलर इतना खास जम नहीं रहा है। और एक बात और भी है कि ब्लू कलर कई सारी जर्सियों के अंदर इंक्लूड कर रखा है, मतलब और भी कई जर्सियाँ जिसमें ब्लू कलर घुसेड़ रखा है, तो इनको ब्लैक ही अगर रहने देते तो भी इसका जो है अच्छा लगता, क्योंकि ब्लैक रेड का कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया लग रहा था, उनकी पुरानी वाली जर्सी थी वो अच्छी लग रही थी। चलो अब ये ब्लू कलर भी आ गया है नई जर्सी का, तो और विराट कोहली जो है खेलते हुए दिखेंगे आरसीबी के टीम में। आरसीबी का कैप्टन एफडी प्लेसिस है और सीएसके का कैप्टन है ऋतुराज गायकवाड़ है, तो कल दोनों का ये मैच है सीएसके आरसीबी का, देखते हैं कौन सी टीम जो है कैसा परफॉर्म कर पाती है। तो कल मैच स्टार्ट होगा 8 बजे शाम को और ये जियो सिनेमा के ऊपर लाइव हो रहा है, तो देखते हैं विराट कोहली, काफ़ी टाइम हो गया उनको देखे हुए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।